जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि आओ मिलकर उतारते हैं शनि के साढ़े साथी और ढैया का भूत। आज का मेरा ये वीडियो आप सभी लोगों के कमेंट से प्रेरित होकर मैं बनाने जा रहा हूँ। मैं इससे पहले भी बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ शनि की साढ़े साथी और ढैया को लेकर, लेकिन वही सवाल लोगों के रिपीट भी होते हैं और साढ़े साथी और ढैया को लेकर उनके मन में एक विशेष प्रकार का भूत ठहर चुका है जिसको निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी चीज़ के लिए लेकर मैंने आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा क्या है साढ़े साथी, क्यों होती है ढैया, इसका जीवन में क्या प्रभाव है, ये शुभ होती है या अशुभ होती है, क्यों होती है, कब कब आती है, कैसे जाने कि आपकी साढ़े साथी या ढैया शुभ जाएगी अशुभ जाएगी, ये सब कुछ इस वीडियो में हम यहाँ कवर करने वाले हैं। देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अंदर 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रह और एक लग्न। इन 10 चीज़ों को मिलकर प्रधानता दी गई है कि अगर सबसे पहले हमारे सामने कोई कुंडली आती है तो हमारे सामने 9 ग्रह होते हैं और एक लग्न के अंदर ये सभी ग्रह बैठे होते हैं। यानी लगन से ग्रहों की स्थिति को या लगन से गोचर की स्थिति को कब देखना चाहिए, जब आपके पास आपकी परफेक्ट कुंडली है। कुंडली में आपको ये पता लग जाए कि मेरे को किस ग्रह की दशा चल रही है तो आप उसको लगन से देख सकते हैं, अन्यथा लगन से गोचर नहीं देखते हैं, सिर्फ उसमें दशा का गोचर देखते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, दशा के हिसाब से दौरा गोचर देखते हैं शनि और बृहस्पति का। लेकिन मन में अगर ये बात आती है कि चंद्रमा से गोचर देखें या शनि लगन से गोचर देखें तो चंद्रमा से गोचर देखो। साढ़े साथी लगन से देखें या चंद्रमा से देखें तो भी हम कह सकते हैं भैया साढ़े साथी सिर्फ चंद्रमा से देखी जाती है। अब चंद्रमा से एक घर पीछे और एक घर आगे तक शनि की साढ़े साथी चलती है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपकी मकर राशि है, मकर राशि से यानी जब शनि ग्रह गोचर में ब्रह्मांड के अंदर धनु राशि में प्रवेश कर गए तो वह आपकी राशि से 12वें घर के अंदर चले गए। फिर वो आएंगे दूसरे चरण में मकर में, फिर वो आएंगे तीसरे चरण में कुंभ में। यानी ये साढ़े साथी के 3 चरण होंगे आपके लिए। ये तो हुई साढ़े साथी। साढ़े साथी का मतलब है 7.5 साल। शास्त्र के अंदर इसको दीर्घ कल्याणी बोला गया है। ये साढ़े साथी कलयुग की ज्योतिष में इसको बोलते हैं क्योंकि 7.5 साल, ढाई 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 के 3 फेज होते हैं, इसलिए इसको हम 7.5 साल बोलते हैं, साढ़े साथी बोलते हैं, दीर्घ कल्याणी बोलते हैं। वहीं राशि से चौथे और 8वें घर में शनि का गोचर आ जाए घूमते हुए कि आपकी राशि से चौथे घर में शनि 2.5 वर्ष तक रहें और राशि से 8वें घर के अंदर शनि 2.5 वर्ष तक रहें तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी शनि की ढैया। यानी आप मान लीजिए कि अगर हम साढ़े साथी की बात करें तो हर व्यक्ति विशेष को 22 साल के बाद साढ़े साथी वापस आती है। यानी अगर 30 साल का कार्यकाल अगर आप देखो तो 30 साल के कार्यकाल के अंदर 7.5 साल की साढ़े साथी और 2 बार आएगी आपको ढैया, 5 साल ये हो गए। यानी 30 में से 12.5 वर्ष शनि की साढ़े साथी और ढैया से आते हैं। ये होता है चंद्रमा से देखे जाने वाला गोचर। यानी सिर्फ 9 ग्रहों में से एक ग्रह को उठाया और उससे हमने आपके कर्म के कारक या कर्म फल प्रदाता शनि की स्थिति को देख लिया। इसका मतलब सीधा सीधा सा ये है कि हम आपकी राशि से, आपके चंद्र से, सिर्फ क्योंकि चंद्र से गोचर देखने को कहा गया, कर्म कारक फल शनि की स्थिति देखते हैं गोचर में। ये आपकी पूरी कुंडली का फलित है ही नहीं। अब जिन लोगों के पास अपनी कुंडलियां हैं वो इतने गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं कि उनको देख के शर्म आती है कि भाई आप सनातन धर्म से जुड़े हुए हो या तो ये काम आपसे कोई अन्य चैनल वाला करा रहा है कि जाके उनके चैनल पर गलत कमेंट लिख दो कि शनि पापी हैं, शनि ने मेरा ये लूट लिया, शनि ने मेरा वो कर दिया। ये कैसे पॉसिबल है, कि कैसे पॉसिबल है, सिर्फ चंद्रमा से एक ग्रह आपके आगे पीछे अगर बैठ रहा है आके तो वो आपको बर्बाद कर देगा। क्या सिर्फ साढ़े साथी या ढैया से आप जीवन में आबाद या बर्बाद हो जाएंगे, ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कोई कह रही जब से साढ़े साथी हुई है मेरे वारे न्यारे हो गए तो भी गलत बात है, कोई कह मैं बर्बाद हो गया तो भी गलत बात है, क्योंकि आपकी दशाएं आपको ऊपर ले जाती हैं जीवन में कि आप कुंडली के अंदर किन ग्रहों को लेकर पैदा हुए हो, आप अपनी कुंडली के अंदर किन राजयोग को लेकर पैदा हुए हो। वो राजयोग कारक दशाएं अगर आपको जीवन में आएंगी तो गोचर आपका बिगाड़ेगा क्या,
कि अगर आपकी हॉरोस्कोप में प्रॉमिस है कि आप आने वाले 7 साल में राजयोग भोगोगे, तो आपको कितनी भी 7.5 या ढैया चल जाए, आपको राजयोग भोगना ही पड़ेगा, आपको धनयोग मिलेगा ही मिलेगा। अब 7.5 आपकी या ढैया आपकी अच्छी जाएगी या बुरी जाएगी, इसका बहुत आसान और सरल कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जिन लोगों के पास कुंडली है कि भाई मेरे पास मेरी कुंडली है, उस कुंडली में ये चेक करो कि चंद्रमा कितना मजबूत है, क्योंकि चंद्रमा से देखी जाती है 7.5। चंद्रमा होता है मन का प्रतीक। जैसे ही शनि इसके इर्द गिर्द घूमता है, ये अपने आप को कमजोर महसूस करता है। यानी 7.5 या ढैया में सबसे पहले व्यक्ति के ऊपर डिप्रेशन शुरू होता है। सबसे पहले उसको चिंताएं शुरू हो जाती हैं, नकारात्मकता शुरू हो जाती है, मन के अंदर तनाव होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले देखो, चंद्रमा 6-8-12 में तो नहीं है, चंद्रमा राहु केतु अक्ष पे तो नहीं है, चंद्रमा पाप ग्रहों से पीड़ित तो नहीं है, ये देख लो। चंद्रमा सूर्य से जितना ज़्यादा दूर है उतना ज़्यादा प्रबल होता है। अगर चंद्रमा पीड़ित भी नहीं है और प्रबल है, इसका मतलब चंद्र मजबूत है। यानी शनि की 7.5 आपको मेंटली प्रेशर नहीं दे पाएगी। दूसरा, शनि कितना प्रबल है, क्योंकि जो 7.5 दे रहा है उसको तो देख लो। अगर शनि आपकी कुंडली में केंद्र त्रिकोण में है, स्वराशि का है, उच्च का है, 6-8-12 में पीड़ित नहीं है, इसका मतलब चंद्रमा भी ठीक, शनि भी ठीक। कितनी भी 7.5, कितनी भी ढैया आ जाओ, कुछ होगा ही नहीं आपको। और मान लीजिए चंद्रमा भी पीड़ित और मान लीजिए शनि भी पीड़ित, तो भैया कितने परेशान हो जाओगे? सिर्फ 20 से 30% ही तो परेशान होगे, क्योंकि ये तो गोचर है। बाकी 70% तो अभी बाकी है। लग्न कुंडली बाकी है, अन्य ग्रह बाकी हैं, दशा बाकी है, वर्ग कुंडली, नवमांश, दशमांश, ग्रहों की डिग्री, ग्रहों का बल, षड बल, अष्टक वर्ग, ये इतनी सारी चीज़ें जो महर्षि पराशर जी ने बनाई हैं, ये सब भी तो देखने वाली हैं कि सिर्फ एक 7.5 या ढैया आपको आ गया और घबराहट शुरू। आम ज्योतिषी के पास चले गए, उन्होंने कहा अरे भाई साहब, आपको तो 7.5 चल रही है, आप इसलिए परेशान हो। परेशान तो आप हो ही, इसलिए तो उसके पास गए हो। उसे तो बस उसके अंदर थोड़ा सा छोंक लगाना है कि हाँ जी, आप, मैं तो परेशान हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हो जी, आप, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं आपकी दशाएं खराब चल रही हैं। अब जिन लोगों के पास अपनी जन्मपत्री है ही नहीं, हम क्या कह रहे जी, हमारी जन्मपत्री नहीं है, हमें तो अपना ये पता, हमारा ये नाम है, इस नाम से ही चल रही है, तो क्या होगा? उस नाम से चलने वाली जो 7.5 अगर आपके लिए पूर्णतः खराब भी है, तो आप 20 से 30% ही तो प्रॉब्लम में आए। बाकी 70% तो आप अभी भी अपनी कुंडली पे ही हो, जो समय पे आप पैदा हुए होंगे उसी समय के हिसाब से आपको प्रॉब्लम आई होगी। तो ये दिमाग से बात बिल्कुल निकाल दो कि ये 7.5 मुझे जीवन में बर्बाद करेगी या 7.5 मुझे जीवन में आबाद करेगी। इसका बहुत मोटा कॉन्सेप्ट है कि चंद्रमा से गोचर देखते हैं, शनि को इसलिए कहा गया है, इसलिए ज़्यादा प्रधानता देने की है, तो शनि है कर्म कारक। हमारे रोज के कर्म कराने वाला ग्रह भी शनि है, हमारे कार्य क्षेत्र को बनाने वाला भी ग्रह शनि है। तो इससे आप पता भी लगा सकते हो कि आपके 7.5 शुभ जाएगी या अशुभ, चंद्रमा को देख लो, शनि को देख लो, क्योंकि यह है चंद्रमा से देखे जाने वाला गोचर। कब कब आती है 7.5? अगर 7.5 साल की बात करें तो हर 22 साल के बाद 7.5 का कर्म शुरू हो जाता है। और वो मैंने आपको बता दिया कि शनि का गोचर 7.5 और ढैया दोनों को लेकर हर व्यक्ति विशेष के जीवन में 17.5 से 18 साल परेशान करता ही करता है, पीड़ित करता ही करता है। अब कितने लेवल तक पीड़ित करेगा, कितना करेगा, वो भी मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि ये ऐसा कॉन्सेप्ट है कि इसको समझना बहुत ज़रूरी है। परिणाम क्या होते हैं इसके, कि भैया ये कर्म कारक ग्रह से सबसे पहला अधिकार कर्म पे है। इस दौरान प्रोफेशनली कुछ चिंता होती है, इस दौरान मेंटली डिप्रेशन होता है, क्योंकि चंद्रमा से देखा जाता है, चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा है वाइट, शनि है ब्लैक। जब ये इसके इर्द गिर्द होता है, खास तौर पे 7.5 पे, तो ये आपको ज़्यादा प्रॉब्लम देता है। आप व्यर्थ की सोचने लगते हैं, व्यर्थ का तनाव होता है, किसी को डिप्रेशन होता है, किसी को टेंशन होती है, कोई आर्थिक परेशान, कोई व्यापारिक परेशान, कोई प्रेम संबंधों से परेशान, क्योंकि शनि की स्थिति जहाँ होती है और जहाँ पर दृष्टि जाती है, वो भाव इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। इसलिए ऐसी स्थितियों में देखा गया है कि भी प्रॉब्लम्स आती है, तो ये इसके परिणाम होते हैं। अब जिस भी व्यक्ति विशेष को जीवन के अंदर 7.5 या ढैया आ गई, मान लीजिए चाहे कुंडली है, जो कुंडली नहीं है, उसको ये पता लग गया भी मेरे बोलते नाम से या मेरी राशि से 7.5 या ढैया आ गई, तो सबसे पहले तो अपने दिमाग पर कंट्रोल रखो कि भी अपने ऊपर जितना संयम रखोगे, जितना बहुत लाइट वेट रखोगे अपने ऊपर, कि भी व्यर्थ की सोच में नहीं जाना है, डिप्रेशन में ही नहीं जाना, चिंता शुरू हो गई ढैया, शुरू हो गए 7.5, पहले ही दिन से शुरू हो जाओ कि भाई शनि देव को मनाना है तो हनुमान जी की पूजा करनी पड़ेगी, किसी भी रूप में हनुमान जी की पूजा करो। ये पहला उपाय आपके लिए। दूसरा उपाय आपके लिए है
कि आप शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ पर जाओ, वहाँ नौरमरी सरसों के तेल का दिया जलाओ, शनिदेव से प्रार्थना करो, आप कर्मों के कारक हो, हम पर अपनी कृपा रखो। वहाँ पर खड़े होकर हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो, क्योंकि हनुमान जी का तो शनिदेव पे बहुत बड़ा एहसान है। वो तो बचा कर लाए हैं उन्हें लंका से, रावण से उन्होंने मुक्ति कराई है उनकी, तो ये अपने आप में आप उसको कर सकते हो। तीसरा उपाय, भगवान श्री कृष्ण के उपासक हैं भगवान शनिदेव, तो शनिदेव के समय पे आप भगवान श्री कृष्ण संबंधित पूजा पाठ कर सकते हो, या उनके सिद्ध स्थान हैं, जो भी भगवान श्री कृष्ण के सिद्ध स्थान है उनके ज़्यादा से ज़्यादा आप दर्शन करो, वो आपके लिए अच्छा। शनिवार की शाम को आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हो, ये आपके लिए बहुत अच्छा। इस दौरान आप शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, खास तौर पर काले तिल डाल लो जल के अंदर, थोड़ा सा दूध और काले तिल डालकर और मृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाओ। कैसी भी साढ़े साथी हो, अगर ये चार पांच उपाय आपने लगातार कर लिए तो बिल्कुल भी आप परेशान हो ही नहीं सकते। इसलिए साढ़े साथी हो या ढही हो, सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि आखिर ये है क्या चीज़, है कैसी, कब आएगी, कब नहीं आएगी, कैसे फल होंगे, कितने परसेंट होंगे। सिर्फ एक 20-30% आने वाले गोचर को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें मन में सोचना, इतना बड़ा बड़ा मन में भय रखना, भाई इससे अच्छा किसी एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाओ कि भाई मेरी कुंडली देख के बताओ, कि मेरे से साढ़े साथी का जिक्र मत करो, मेरी कुंडली देख के बताओ कि मेरी कुंडली में कैसे ग्रह हैं, कैसे योग है, कौन सा ग्रह कितने डिग्री पे बैठा है, कौन सा वक्री है, कौन सा मार्गी है, कौन सा नीच का है, उसका मेरे जीवन पे क्या प्रभाव है, वर्ग कुंडलियों में मेरे ग्रह कैसे हैं, ये मुझे बताओ। ये मत बताओ कि तुम्हें ये दोष लग गया, तुम्हें वो दोष लग गया, तुम्हें साढ़े साथी लग गई, ऐसा नहीं। तब आपको पता लगेगा कि हॉरोस्कोप में कितना बल है, तब आपको पता लगेगा कि मुझे साढ़े साथी से डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए। तो ये था मेरा आज का विषय कि साढ़े साथी का जो मन में आपके भूत बैठा हुआ है, उसको इस वीडियो में भैया मैंने दूर करने की कोशिश की है। इस वीडियो को सुनिए बार बार, समझिए, लोगों को साझा कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे वो भी इस जानकारी से जानकारी मिले, उससे संतुष्ट हो सके। जय श्री राम।